कोरबा से एक बड़ी खबर है जहां पर स्कूल वैन और ऑटो में टक्कर हो गई है। 6 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। हादसे में 4 स्कूली बच्चे भी घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बालको नगर के बेलगरी बस्ती की ये घटना है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है कोरबा से जहां पर स्कूल वैन और ऑटो में टक्कर हो गई है। 6 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। 4 स्कूली बच्चे भी इस घटना में घायल हुए हैं। अस्पताल में सभी बच्चों को भर्ती कराया गया। बालको नगर के बेलगरी बस्ती की ये घटना है। तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कोरबा से, ये खबर जहां पर स्कूल वैन और ऑटो में टक्कर हो गई है। 6 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। हादसे में 4 स्कूली बच्चे भी घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बालको नगर के बेलगरी बस्ती की ये घटना है। तो स्कूल वैन और ऑटो के बीच भिड़ंत हो गई और इस हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 4 स्कूली बच्चे भी घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बालको नगर के बेलगरी बस्ती की ये घटना है। तो कोरबा से इस वक्त ये बड़ी खबर है जहां पर स्कूल वैन और ऑटो में टक्कर हो गई। 6 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। 4 स्कूली बच्चे भी हैं जो घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बालको नगर के बेलगरी बस्ती की ये घटना है। चलो और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धीरज फोन लाइन पर जुड़े हैं। धीरज, कैसे हुआ ये पूरा हादसा? देखिए, बालकों से बस जो बच्चों से भरी जो वैन थी वो एक जा रही थी, उस सामने से ऑटो आ रहा था, उसके बीच में दोनों में टक्कर हो गई और ऑटो भी क्षतिग्रस्त हो गया और वैन पलट गई। ऑटो में सवार लोगों को चोट आई है, लेकिन वैन में जो बच्चे थे कुछ 13 बच्चे थे जिन्हें 4 को चोट आई है, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है, जबकि ऑटो चालक और जो अन्य लोग हैं उनको चोट आई, जिनका उपचार जिला अस्पताल और बालको चिकित्सालय में जारी है। चलिए धीरज, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।